तो आज हम डिस्कस करेंगे सीपैप के बारे में। सीपैप का लॉन्ग फॉर्म है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। इसका काम क्या है, ये हम कब लगाते हैं, अगर बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, अगर प्रीटम बेबीज है उसमें आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है और बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे कंडीशन में हम बच्चे को सपोर्ट करने के लिए सीपैप लगाते हैं। अब ये सीपैप क्या करता है, सीपैप आपको ऑक्सीजन और एयर को ब्लेंड करके प्रेशर के साथ बच्चे को नाक से देते हैं। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं नेजल सीपैप है, उसके अलावा भी सीपैप के काफी टाइप्स हैं, लेकिन आज हम नेजल सीपैप के बारे में बात करेंगे। तो नेजल सीपैप में कंटिन्यूअस एयर और ऑक्सीजन का ब्लेंड किया हुआ मिक्सचर एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ में हम पेशेंट को उसके नाक पे देते हैं और उससे बच्चे को सांस लेने में मदद होती है। अब ये सीपैप देने के लिए हम इसको सीखेंगे कि इसको किस तरीके से देना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सेटअप कैसे किया जाता है। अभी तो ये वीडियो हम डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कर रहे हैं, इसलिए यूज ट्यूबिंग के साथ में कर रहे हैं, अदरवाइज स्टराइल ट्यूबिंग लेनी है आपको, पूरी असेप्टिक प्रिकॉशंस लेनी है किसी भी तरीके का बच्चे को इन्फेक्शन ना हो इसके लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको लगाते कैसे। ये ह्यूमिडिफायर का बेस है, इसके ऊपर आपको ये ह्यूमिडिफायर माउंट करना है। ये माउंट हो गया और इसका ये जो एंड है ये जाता है डिस्टिल्ड वाटर की मोटर में, इसमें डिस्टिल्ड वाटर भरा हुआ होता है और जब भी इसमें ये एम्प्टी होता है तो ये वापस से रिफिल कर लेता है अपने आप को इस ट्यूब के द्वारा। तो इसको करने के बाद में आप जैसे ही ह्यूमिडिफायर ऑन करेंगे, ह्यूमिडिफायर ऑन हो जाएगा, ये प्लेट गर्म होगी और इसके कारण से इसके अंदर का पानी भी गर्म होगा, तो बच्चे को एक वार्म और ह्यूमिडिफाइड एयर और ऑक्सीजन का मिक्सचर मिलेगा। ये एक ब्लेंडर है, ये ब्लेंडर का काम क्या है, यहां से आप देखेंगे ये ट्यूब आई है, ये ट्यूबिंग आई है, ये ट्यूबिंग जाती है एयर और ऑक्सीजन के पोर्ट में। हमारे पास सेंट्रल एयर और ऑक्सीजन है तो ये ट्यूबिंग हमने वहां पे लगाई हुई है। यहां से आके ये ब्लेंडर में से आप ऑक्सीजन को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे 60% पे है, 50%, 40%, 30%, इस हिसाब से आप इसका ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसमें ब्लेंड होने के बाद में यहां से आती है, यहां पे ये ऑक्सीजन ट्यूब द्वारा हम इसे कनेक्ट कर रहे हैं। ये डिवाइस ये एक्चुअली ये प्रेशर वॉल्व है, यहां से जब ऑक्सीजन और एयर का मिक्सचर जाता है, अगर किसी कारण से इसको आप बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाए तो बच्चे तक बहुत ज्यादा प्रेशर ना जाए, इसलिए ये प्रेशर वॉल्व का काम करता है, एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है। यहां पे एरो भी दिया है, इसको ऐसे ही रखना है, इसको इस तरीके से कभी कनेक्ट नहीं करना है। तो इसको जैसे हम कनेक्ट करते हैं और ये पाइप आपका जाएगा यहां, तो ऑक्सीजन और एयर का मिक्सचर यहां पे आके ब्लेंडर में मिक्स हुआ, जितना आपने FiO2 हुआ उस परसेंटेज में ऑक्सीजन वो लेगा, अगर आपने 60% लिया तो ज्यादा ऑक्सीजन लेगा, आपने 30% लिया तो कम ऑक्सीजन लेगा। फिर यहां पे आने के बाद में आप इसको फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं, फ्लो एडजस्ट होके ये यहां पे जाके ह्यूमिडिफाइड और वार्म होके फिर दूसरा एंड जो है हम बेबी की तरफ भेजते हैं। तो ये ब्लू ट्यूबिंग है, यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 3 पॉइंट के जैसा कनेक्शन है, इसको यहां पे लगाना है और ये एंड यहां पे कनेक्ट हो जाएगा इस हिसाब से। अब ये जो है एक तरह का पावर केबल है जो इसके अंदर मौजूद ये वायर को पावर सप्लाई करेगा। अब ये वायर इसके अंदर कॉइल हुई हुई है जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वार्म हो जाएगी और ये जो एयर जो इसके अंदर जा रही है उसको वार्म रखेगी। उसका एक एंड यहां पे इस तरह फिट होगा, दूसरा एंड जो है वो पेशेंट एंड की तरफ यहां पे इसको कनेक्शन दिया हुआ है, इस तरीके से लगाएंगे। अब यहां का टेम्परेचर कितना है और पेशेंट एंड का टेम्परेचर कितना है ये सेंस करके वो उस हिसाब से यहां पे टेम्परेचर, तो ये इसका हीटर एडजस्ट करेगा ताकि हीटर थोड़ा सा गर्म हो जाए और ज्यादा
वो हमें यार अगर बच्चे को चाहिए तो उस हिसाब से वो डिलीवर करेगा। उसके बाद दूसरा जो ट्यूबिंग आता है ये व्हाइट कलर का है और ये व्हाइट ट्यूबिंग ये पेशेंट एंड है। दूसरा जो एंड है ये वो इस पाइप पे कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये जो पाइप है इसमें आप देखेंगे तो कैलिब्रेटेड है, 3 से लेकर 10 तक का मार्किंग है। जितना पोर्शन इस ट्यूब का पानी के अंदर रहेगा उतना लेवल का सीपैप है ना पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी प्रेशर बच्चे को मिलेगा। तो इसको इस हिसाब से कनेक्ट करना है, उसको इस चेंबर में डाल देना है। अभी मैंने इसको 5 तक के इंसर्ट किया है। इसमें चेंबर में पानी तब तक भरना है जब तक के इस चेंबर में पानी आपको ये लेवल तक भरना है। ये लेवल में आने के बाद में ये सामने के चेंबर में आ जाएगा तो ये लेवल मेंटेन करेगा। अगर आपने समझो ये लेवल की जगह पे यहां तक के ही पानी भरा 1 सेंटीमीटर नीचे तक, तो अगर आप 5 का सेट कर रहे हैं सीपैप तो बच्चे को केवल 4 का मिलेगा क्योंकि 4 सेंटीमीटर ही वो जो पाइप है वाटर के नीचे है, इसलिए ये पूरा लेवल तक के भरना जरूरी है। नहीं तो आप 5 का सेट करोगे और बच्चे को जाएगा 4। तो इसको इस तरीके से यहां पे एडजस्ट कर देना है, फिर ये एंड जाएगा पेशेंट की तरफ। अभी पेशेंट के लेवल पे हमने देखा है कि सबसे पहले तो बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस लेना है। हेड सर्कमफेरेंस के हिसाब से आपको कैप सिलेक्ट करनी है। जैसे ये कैप पे आप देख सकते हैं 29 to 36 लिखा हुआ है, तो अगर मेरे बेबी का हेड सर्कमफेरेंस 35 सेंटीमीटर का है तो मैं ये कैप यूज करूंगा। अगर वो 28 सेंटीमीटर का है तो मुझे इससे छोटा कैप लेना पड़ेगा। इसको इस तरीके से पहनाते हैं, ये नंबर सामने आ जाता है, ये पोर्शन आगे होता है। इसके बाद में इसको कनेक्ट करेंगे, इसे कहते हैं बोने। ये बच्चे के सर के ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है। अगर आपको लगे कि उसका लेवल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप इसको कम भी कर सकते हैं, इस तरीके से इसको निकाल के उस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद ये नेजल मास्क है और एक होता है नेजल प्रॉन्ग। ये बच्चे के नोज के साइज के हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होता है। उसके लिए उन्होंने ये स्केल दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से उसको बच्चे की नाक के ऊपर रखना है और जो नोज को कवर करे, नोस्ट्रिल्स को कवर करे लेकिन माउथ के ऊपर ना आए, आईज के ऊपर ना आए, उस हिसाब से आपको मास्क का साइज सिलेक्ट करना है। अभी समझो मैंने एल सिलेक्ट किया है तो ये जो मेरा मास्क है इसके ऊपर भी एल यहां पे लिखा हुआ रहेगा, वो आप देख सकोगे। तो अगर मैंने एल सिलेक्ट किया है तो मुझे एल लेना है। अगर मैं नेजल प्रॉन्ग सिलेक्ट करता हूं तो मुझे इस तरीके से सिलेक्ट करना होगा, इस तरीके से। जैसे मुझे लगता है कि 5560 का नेजल प्रॉन्ग इसको ठीक से आ जाएगा तो वो नंबर इसके ऊपर डिस्प्ले किया हुआ रहेगा यहां पर, ठीक। तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करते वक्त आपको स्नगली फिटिंग नेजल प्रॉन्ग सिलेक्ट करना है। बहुत ज्यादा ढीला नेजल प्रॉन्ग आपका सीपैप डिलीवर नहीं करेगा, ओके। तो ये इस तरीके से ये जो कर्वेचर है उसका इस तरीके से इसको इंसर्ट करके उसको लगाया जाता है। ये बोनेट लगाने के लिए सबसे पहले तो ये एक व्हाइट ट्यूबिंग का एंड और ब्लू ट्यूबिंग का एंड आपको इसके साथ में कनेक्ट करना है। फिर इसको इस तरीके से इसका आपको इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। फिर आपको मास्क लगाना है। मास्क लगाने के बाद पेशेंट को लगाने से पहले हम इसको एक बार चेक करना चाहिए। इसके लिए एयर और ऑक्सीजन कर दिए हैं। अभी मैं यहां पे फ्लो शुरू कर रहा हूं, तो फ्लो शुरुआत में आप 6 का रख सकते हैं और उसके बाद में आप चेक कर लीजिए बबल्स देखे। बबल्स आ रहे हैं मतलब आपका सर्किट कंप्लीट है, इसमें कहीं पे लीक नहीं है। अगर अभी आप पेशेंट को लगाएंगे तो उसको सीपैप डिलीवर होगा। तो अगर समझो मैंने इसको यहां पे लगाता हूं तो वो बच्चे को सीपैप चलेगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूं इसमें सबसे पहले। तो इसको फिक्स करने के लिए इस तरीके से
ये जो है इसको इसके ऊपर लगा के इस तरीके से फिक्स कर देना है। ये माथे के ऊपर आना चाहिए, सर के ऊपर नहीं। ये जो पोर्शन है बच्चे के माथे के ऊपर आना चाहिए, तभी आपका सीपैप अच्छे से फिक्स हो पाएगा, अदरवाइज वो मेजर इंजरी भी कर सकता है। फिर उसको फिक्स करने से पहले आपको डियोडर्म या टेगाडर्म करके जो थिन ड्रेसिंग आते हैं वो लगाने, ताकि बच्चे के नोज को इंजुरी ना। अगर आप डियोडर्म लगाते हैं तो काफी मोटा होता है और एक तरह का कुशन फॉर्म करता है, जिसके कारण से बच्चे को नेजल इंजुरी नहीं होती। तो इस तरह से रखने के बाद ये पोर्शन यहां पे इस तरीके से जाएगा और ये हुक दूसरी तरफ से इस तरीके से। अब ये जाने के बाद दोनों को एक साथ खींच के आपको इस तरीके से फिक्स करना है, क्योंकि ये भी डमी है और काफी बड़ा है, इसके कारण से यहाँ पे लगाने में दिक्कत हो रही है। अदरवाइज ये पोर्शन यहाँ पे आके जो वेलक्रो के जैसे यहाँ पे स्टिक हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर लेता हूं और इस तरीके से ये सीपैप लग जाएगा। अगर मैं अभी फ्लो लगाता हूं तो आप देख सकते हैं कि बबल्स आ रहे हैं, मतलब अपना सीपैप काम कर रहा है। कभी अगर बबल्स नहीं आते हैं तो आप बच्चे की चीन तो थोड़ा सा इलिवेट करके देख सकते हैं, बहुत बार अगर बच्चा रो रहा है या उसका मुंह खुला है तो उसके कारण भी बबल्स नहीं आते हैं और सीपैप डिलीवर नहीं होता है। तो इसको हम हल्का सा स्ट्रैप करके रख सकते हैं, लेकिन स्ट्रैप करते वक्त हमको ध्यान रखना है कि अगर बच्चा वोमिट करता है तो कहीं वो एस्पिरेट ना करें, इसलिए बहुत से यूनिट में ये स्ट्रैपिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में जब आप सीपैप देते हो तो आपको देखना है बच्चा के अनकंफर्टेबल तो नहीं हो रहा, आपने कहीं ज्यादा टाइटली तो इसको नहीं कर दिया है। आपको देखना है कि सीपैप लगाने के बाद में बच्चे का सैचुरेशन इंप्रूव हुआ क्या। अगर बच्चे का सैचुरेशन इंप्रूव होता है 95% के ऊपर रहता है तो कोशिश करके उसका जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है उसको कम करके 30 से 31% के ऊपर लेके आना है। उसका सैचुरेशन के साथ साथ आपको ये भी देखना है उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है या नहीं, उसको जो डिस्ट्रेस हो रहा है, जो सांस लेने में दिक्कत हो रही है वो कम हुई कि नहीं आपके सीपैप के बाद। अगर आप 6 का सीपैप दे रहे हो, 7 का सीपैप दे रहे हो और बच्चे का अगर डिस्ट्रेस कम नहीं हो रहा तो बेटर है कि बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल देना चाहिए। अगर आपका बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लग रहा है, 60% 70% ऑक्सीजन लग रहा है, तो भी आपने वेंटिलेटर के बारे में सोचना चाहिए। आइडियली 40% के ऊपर, 40% के नीचे जब ऑक्सीजन बच्चे को लगता है तब सीपैप आइडियली कंसिडर करना चाहिए। बच्चे का कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। अगर वो समझो बच्चा सोया, बच्चा अगर अनकॉन्शियस है और खुद से ढंग से रेस्पिरेशन नहीं ले रहा है, डेड की रेस्पिरेशन ले रहा है, वो केस में सीपैप कंसीडर नहीं करना चाहिए, उसमें हमने वेंटिलेटर को प्रिफर करना चाहिए। बाकी सीपैप लगाने के बाद में हमको डेली जब भी उसके नर्सिंग केयर करते हैं तो हमको उसका नेजल ब्रिज को कहीं इंजुरी तो नहीं है ये देखना है, उसको हल्के हाथों से मसाज करके उसको फिर से अप्लाई करना है। हमारे यूनिट में हम अल्टरनेट डे मास्क, नेजल मास्क और नेजल प्रॉम यूज करते हैं। अभी नेजल प्रॉम को यूज करने के बाद में प्रेशर को साइड आपका चेंज हो जाता है, तो यहां पे भी आपको सबसे पहले टेगाडर्म लगाना है, उसके बाद ही नेजल प्रॉम बच्चे को अप्लाई करना है। नेजल प्रॉम लगाते वक्त जैसे मैंने बताया कि ये इस तरीके से नोज में जाना है, अगर ऐसा डालेंगे आप ऊपर की तरफ तो बच्चे की नेजल इंजुरी हो जाएगी, इसलिए उसको इस तरीके से नेजल कैविटी के कर्वेचर के हिसाब से उसको अंदर डालना और इस हिसाब से उसको फिक्स करना है। कभी कभी अगर बच्चा शॉक में है या फिर उसका सर्कुलेशन मेंटेन नहीं है, ऐसे स्थिति में सीपैप लगाना डेंजरस हो सकता है, क्योंकि सीपैप लगाने के बाद में चेस्ट के अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारा वेनस रिटर्न है हार्ट की तरफ वो कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट कम हो सकता है। इसलिए जो बच्चे का ब्लड प्रेशर कम है उसमें भी हमको सीपैप कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अलग तरह का ब्लेंडर है जहां पे जैसे प्रीवियस ब्लेंडर के जैसे यहाँ पे एयर और ऑक्सीजन के पोर्ट्स हैं, जो ऑक्सीजन और एयर के सेंट्रल ऑक्सीजन और एयर सेंट्रल एयर में जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एयर का फ्लोमीटर है, ये ऑक्सीजन का फ्लोमीटर है, तो इसमें आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट करना है कि आपका डिजायर्ड ऑक्सीजन जाएगा, कितना फ्लो रखने पे कितना एफआईओ2 जाएगा, ये इसका चार्ट गाइडलाइंस आपको इसके ऊपर दिए हुए हैं। तो
इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये साइड में एफआईआर पर लिखा है उन्होंने 21% से लेकर 100% तक के। 21% इसलिए क्योंकि हवा में 21% ऑक्सीजन होता है, 100% ऑक्सीजन आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये साइड ऑक्सीजन दिखा रहा है और ये साइड एयर दिखा रहा है। तो अगर आप 6 लीटर का फ्लो रखते हैं उसमें से अगर ऑक्सीजन 0% और 6 लीटर का 6 लीटर एयर है तो बच्चे को 21% एफआईआर हो जाएगा। लेकिन आप अगर 0.5% का ऑक्सीजन दे रहे हैं और 5.5 लीटर पर मिनट के हिसाब से एयर दे रहे हैं तो आपका 30% ऑक्सीजन। उसी हिसाब से अगर आप 3 लीटर का ऑक्सीजन और 3 लीटर का एयर दे रहे हैं पर मिनट तो आप 60% एफआईआर दे रहे हैं। तो इस हिसाब से, ये चार्ट के हिसाब से आप एफआईआर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक बार सारे करेक्शन करने के बाद में आपको यहां से एयर का फ्लो और ऑक्सीजन का फ्लो एडजस्ट करना है और जो भी बच्चे का एफआईआर रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये चीजें एडजस्ट करनी है। अब इसमें जब आप ऑक्सीजन को टेपर कर रहे हैं, समझिए पहले आपको ऑक्सीजन 2 लीटर लग रहा था, अभी 1 लीटर पे आ गए, तो एयर भी आपको 4 लीटर से 5 लीटर पे जाना पड़ेगा। मतलब जितना फ्लो आप ऑक्सीजन का कम कर रहे हैं उतना ही आपको एयर का बढ़ाना पड़ेगा।